गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? सो आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो मेल के अंदर एक बहुत ही कॉमन सी समस्या देखने को मिलती है वो है बेनाइटिस। बहुत कॉमन क्यों बोला मैंने, क्योंकि बहुत ही कॉमन है जो कि अनसर्कमसाइज्ड जो मेल है, मतलब जो पुरुषों में जिनका जो प्राइवेट पार्ट है उनके ऊपर जो स्किन होती है, जो मूवेबल स्किन होती है, उसको हम बोलते हैं फोर स्किन, आगे की स्किन मतलब, ठीक है, जिनमें वो कटी हुई नहीं होती है, जिसको काटते नहीं है, बचपन में ही किसी किसी धर्म में उसको काट दिया जाता है। तो उन पुरुषों में ये जो चांसेस है बेनाइटिस के, वो नहीं होते हैं, ना के बराबर होते हैं, या फिर बहुत ही कम होते हैं, नहीं होते हैं। लेकिन जो जिनकी जो स्किन जो कटी हुई नहीं होती है, उनको ये सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, ठीक है। तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि 10 ऐसे लोग होंगे 100 में से, अगर 100 लोगों की बात करें तो 10 लोग ऐसे होंगे जिनको ये प्रॉब्लम अपनी लाइफ में आती ही है, ठीक है। तो इसका नाम है बेनाइटिस। अभी क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में जरा बात कर लेते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या है, बेनाइटिस होता क्या है। तो देखिए, यहाँ पे हम बात करेंगे जो मेल का जो प्राइवेट पार्ट होता है, तो उसका जो आगे वाला हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं ग्लैंड्स, या फिर हम बोल सकते हैं हेड ऑफ द पीनस, राइट। तो इसके ऊपर ही ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इस हिस्से में इन्फेक्शन हो जाता है, एंड उस हिस्से के ऊपर जो हेड वाला हिस्सा है उसके ऊपर अगर जो स्किन होती है वो पूरी तरीके से मूवेबल होती है, मतलब आगे पीछे हो सकती है, तो उसको हम बोलते हैं फोर स्किन, राइट। तो इस तरीके से हम समझते हैं, ये मैंने एक पार्ट बना दिया है, तो ये हेड वाला हिस्सा है, ठीक है, एंड इसके ऊपर ये जो स्किन है वो दिखाई गई है, जिसको हम बोलते हैं फोर स्किन। तो किसी किसी में क्या होता है कि जो कि मेनली जो अनसर्कमसाइज्ड होते हैं, मैंने बताया कि जिनका सर्कमसीजन नहीं होता है तो उनकी ये पूरी स्किन होती है, लेकिन जिनका सर्कमसीजन हो जाता है तो वो स्किन हट जाती है। अब देखिए क्या होता है कि जिनका सर्कमसीजन नहीं हुआ होता है, उनके इस हेड के ऊपर क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। ये स्किन है फोर स्किन, तो मैंने यहाँ पे इसको हटा के दिखाया है, तो इन्फेक्शन कहाँ पे हो जाएगा कि जो हेड वाला हिस्सा है यहाँ पे, हो सकता है ये रेड रेड हो जाए पूरा, और यहाँ जो कोरोनरी सर्कस है यहाँ पे छोटे छोटे दाने बन जाते हैं, व्हाइट व्हाइट से या फिर रेड रेड से दाने बन जाते हैं, ओके। तो ये एक तो इस तरीके का होता है। दूसरे तरीके का क्या हो सकता है कि किसी किसी को मान लीजिए बॉडी में कहीं पे भी एलर्जी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पे भी एलर्जी हो गई है, तो दूसरा होता है इसी तरीके का, उसमें भी क्या होगा, रेड रेड दाने दाने हो जाएंगे और ये पूरा रेड कलर का जो हेड है वो डार्क रेड कलर का हो जाएगा। देखिए जहाँ पे भी इन्फेक्शन होता है तो वो स्किन कैसी हो जाती है, रेड हो जाती है, या फिर ऑरेंजेस दिखाई देगी, ऑरेंज कलर की, लगभग ऑरेंज जैसे कलर की ये दिखाई देगी, ठीक है। एक जो कि बहुत ही रेयर होता है बेनाइटिस का थर्ड टाइप में अगर आपको बताऊं तो वो क्या है कि जो वार्ट्स बन जाते हैं, मतलब ऐसे घाव के जैसे दिखाई देंगे, छोटे छोटे ऐसे दाने दाने दिखाई देंगे, एंड ये क्या होते हैं, बहुत ही हार्ड होते हैं, हार्ड दाने से बन जाते हैं, इसको हम बोलते हैं स्केली वार्ट्स, मतलब ऐसे बड़े दाने होंगे, थोड़े से बड़े दाने होंगे, हार्ड होंगे, ठीक है। तो ये किसी किसी में हो जाता है, तो ये बेनाइटिस के प्रकार हो सकते हैं। तो यहाँ पे इन्फेक्शन बढ़ सकता है और इन्फेक्शन और भी ज्यादा बढ़ता हुआ जा सकता है, पूरी स्किन के अंदर हो सकता है, तो इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अब हम ये बात करेंगे कि ये जो बेनाइटिस है इसके कारण क्या है, ठीक है। तो जो बहुत ही कॉमन कारण जो मैंने बताया वो क्या है कि अनसर्कमसीजन होना, लेकिन ये एक प्रॉब्लम नहीं है अगर सही तरीके से रहा जाए तो। क्यों? क्योंकि देखिए जो मेल है अगर वो अपना हाइजीन का प्रॉपर तरीके से ध्यान रखें, बहुत ही यहाँ से साफ सफाई बना के रखें, तो ये प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा अपनी साफ सफाई अच्छे से ना रखना ही मेन प्रॉब्लम है, क्योंकि देखिए यहाँ की जो स्किन होती है, ये जो स्किन होती है ये पूरी तरीके से मूवेबल होती है, ठीक है। हेड के ऊपर वाली स्किन पूरी तरीके से मूवेबल होती है, अगर इसको पूरी तरीके से नहाते टाइम क्लीन करना चाहिए। क्यों क्लीन करना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे एक डिस्चार्ज होता रहता है मेल के अंदर, यहाँ पे ग्लैंड्स होती हैं और वहाँ पे डिस्चार्ज होता है वाइट कलर का, थिक कलर जो वाइट है उस तरीके का डिस्चार्ज होता है, जिसको हम बोलते हैं स्मेग्मा, राइट। अब ये जो स्मेग्मा है यहाँ पे इकट्ठा होता रहता है,
जब बहुत टाइम तक हम उसको क्लीन नहीं करते हैं तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिससे कि फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। इस तरीके के इन्फेक्शंस मिलते हैं, ठीक है। तो हम और भी इसके कारण जानते हैं कि ये किस वजह से हो सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ और जो कारण होते हैं उनकी। तो पुअर हाइजीन, इसका मतलब होता है कि साफ सफाई अच्छे से ना रख पाना, क्योंकि यहाँ पे स्मेग्मा का बताया वहां पे डिस्चार्ज होता रहता है, जिसकी वजह से अगर वो इकट्ठा हो गया बहुत टाइम के लिए, इसको साफ नहीं किया गया, तो क्या होगा, इन्फेक्शन होंगे, फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, एंड पुअर हाइजीन की वजह से तो ये बार बार ये प्रॉब्लम आएगी एंड बार बार होने की वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। सेकेंड है डायबिटीज़। ये एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है कि जो डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं उनमें ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है। क्यों होता है ऐसा? तो देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो भी डायबिटीज़ का जो पेशेंट है, जब वो यूरिनेशन हम बोल सकते हैं, जब वो पेशाब जाता है, ठीक है, यूरिन पास करता है, तब भी क्या होगा कि उसके यूरिन में हमेशा क्या होता है, शुगर होती है, ठीक है, शुगर भी उसके साथ थोड़ा बहुत निकलती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब भी वो यूरिन पास करता है तो उसके प्राइवेट पार्ट के ऊपर वो यूरिन की ड्रॉप्स, कुछ ड्रॉप्स वहाँ पे लगी रह जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि, और देखिए, जैसे ही यूरिन पास किया तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ ड्रॉप्स यहाँ पे रह जाएंगी और जो फोर स्किन होती है वो इसके अंदर बंद हो जाएंगी। तो ऐसा होने की वजह से यहाँ पे हम बोल सकते हैं, यहाँ पे शुगर का जो एक डिपोजिशन है वो है, उसकी वजह से यहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं और बैक्टीरिया के इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, इनकी ग्रोथ यहाँ पे हो सकती है। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये इन्फेक्शन हो जाता है मेनली डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं उनमें, राइट। एसटीडी, अब देखिए एसटीडी का सिंपल सा मीनिंग मैं आपको बताती हूँ कि जब इसका मतलब होता है एसटीडी का, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बीमारियां अपने पार्टनर के थ्रू मिलती हैं, मतलब जो बीमारियां रिलेशन बनाने से ही एक दूसरे में फैलती हैं, वैसे नहीं फैलती हैं, उनकी वजह से भी ऐसा हो सकता है कि अगर हो सकता है कि जो जो कोई महिला है जिसके साथ रिलेशन बनाए, तो उसमें हो सकता है किसी तरीके का इन्फेक्शन हो रहा हो उसके प्राइवेट पार्ट में, जिसकी वजह से रिलेशन बनाते टाइम वो ट्रांसफर हो गया हो, तो भी ये प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है कि मतलब रिलेशन बनाते टाइम अगर फीमेल के अंदर किसी तरीके का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फिर फंगल इन्फेक्शन है या फिर वायरल इन्फेक्शन है, तो क्या हो सकता है, ये प्रॉब्लम मेल को भी लग सकती है, मतलब पुरुष में भी आ सकती है ड्यूरिंग रिलेशन टाइम, ठीक है। सेंसिटिविटी टू केमिकल इरिटेशन, इसका मतलब क्या है कि हम सभी जानते हैं, एलर्जी के बारे में जानते हैं कि मान लीजिए किसी तरीके के कपड़े पहने तो वो कपड़े हमारे स्किन को सूट नहीं करते, तो हो सकता है कि स्किन के ऊपर रैशेज हो जाए, कोई रिएक्शन हो जाए, ठीक है। तो क्या होगा, अगर बॉडी में रिएक्शन हुई है तो उस पार्ट के ऊपर भी जाके वो रिएक्शन उसी तरीके की हो सकती है, जिसकी वजह से भी बेनाइटिस हो सकता है, ठीक है। तो सेंसिटिविटी शो करता है, किसी किसी को जो कंडोम्स होते हैं वो नहीं सूट करते हैं, उनकी स्किन पे सूट नहीं करते हैं, तो इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ओके, किसी किसी की जो स्किन की कंडीशन होती है वो कुछ इस तरीके की होती है कि उनको बार बार इचिंग होती है, ड्राई स्किन होती है बहुत ज़्यादा, या फिर स्केली स्किन होती है, ठीक है, मतलब हो सकता है पपड़ी वाली स्किन हो, बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन होती है किसी किसी की, या फिर किसी किसी को कुछ भी मतलब जल्दी से सूट नहीं करता, कपड़े जो पहनते हैं वो सूट नहीं करते, कुछ क्रीम वगैरह लगा रही वो सूट नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे केमिकल में आप ये भी देख सकते हैं कि कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ जेल इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ परफ्यूम वगैरह इस्तेमाल कर लेते हैं जिनकी रिएक्शन हो जाती है केमिकल्स की वजह से, इरिटेशन हो जाती है, तो ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है ओबेसिटी, ये तो बहुत ही लोगों की कॉमन समस्या है एंड इसकी वजह से जो बीमारियां हैं वो भी बहुत कॉमन है, मतलब मोटापा, इसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। फाइमोसिस, देखिए मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, इससे पहले वाला वीडियो यहाँ पे है, क्लिक करके देख सकते हैं। फाइमोसिस का मतलब होता है कि जो पुरुष है, ठीक है, छोटे बच्चे या फिर एडल्ट दोनों की बात की थी हमने, तो इनकी जो फोर स्किन जो होती है ये क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है,
ठीक है, बहुत ही ज्यादा टाइट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये आगे पीछे मूव नहीं करेगी। एंड आगे पीछे मूव करेगी नहीं, पूरी तरीके से पीछे जाएगी नहीं, क्योंकि यहां तक पीछे जानी चाहिए, ये जो कोरोनरी सर्कस होता है यहां तक पीछे जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ की अच्छे से साफ सफाई नहीं हो पाएगी। अगर साफ सफाई नहीं हो पाएगी तो यहाँ पे इन्फेक्शंस होंगे। ओके, और जब भी जो मेल है उसके पेशाब के बाद भी कुछ बूंदें यहाँ पे रह जाती हैं, जिसकी अगर क्लीन नहीं किया गया पूरी तरीके से तो क्या होगा, यहाँ पे इन्फेक्शन आ जाते हैं। ठीक है, समझ में आया इतना, इसके कारण क्या है। अब हम ये जानते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या है, कैसे पहचानेंगे आपकी ये मेनिनजाइटिस है, एंड इसके ट्रीटमेंट की भी हम बात करेंगे। अब हम बात करते हैं साइन क्या है इसके, मतलब हम कैसे पहचानेंगे कि ये इसको प्रॉब्लम है, मतलब लक्षण क्या है, राइट। तो इसमें पहला है रेडनेस स्वेलिंग ऑफ हेड, जो प्राइवेट पार्ट है उसका हेड जो है, जिसको हम ग्लैंड्स बोलते हैं, तो वो क्या कर जाता है, बहुत ज्यादा स्वेल कर जाता है और रेड कलर का हो जाता है, रेडिश कलर का हो जाता है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है, मतलब सूजन आ जाता है। और जो स्किन होती है, जो फोर स्किन होती है, उसमें भी स्वेलिंग आ जाती है, उसमें जलन होती है, एंड उसमें भी क्या होता है, मैंने बताया सूजन आ जाती है, ठीक है। इन्फ्लामेशन होता है, मतलब जलन या फिर सूजन, पेन होता है मेनली, आप ऐसा समझिए, बहुत ही दर्द फील होता है। डिस्चार्ज होगा तो थिक सा डिस्चार्ज और ज्यादा होने लग जाएगा, जिसकी वजह से इन्फेक्शंस और ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे। अब जो डिस्चार्ज ज्यादा होता रहेगा तो क्या होगा, फाउल स्मेल, जब भी इन्फेक्शन होते हैं, ठीक है, डिस्चार्ज ज्यादा हो रहा है तो एक बहुत ही भयानक सी स्मेल आती है, मतलब फाउल स्मेल का मतलब यही है कि बिल्कुल भी सहनीय जो स्मेल ना हो, ठीक है, बहुत ही जिसमें गंध आती है, अच्छी वाली नहीं, बुरी वाली स्मेल जिसमें आए। डिफिकल्टी इन यूरिनेशन, मतलब जो पेशाब को जो पास करते हैं तो उसमें भी बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, जलन होगी, ठीक है, और हो सकता है ज्यादा इन्फेक्शन हो गया है। अगर मैंने बताया कि दो तीन तरीके का होता है मेनिनजाइटिस, अगर थर्ड तरीके का है जो कि बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, अगर उस तरीके का हो गया है तो पेशाब करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, ठीक है। फाइमोसिस, तो फाइमोसिस है कि जो स्किन है वो पूरी जो पीछे होती है, रिट्रैक्शन जिसको हम बोलते हैं, पीछे की तरफ खिंचती है, तो वो होना बंद हो जाती है। क्यों हो जाती है उसको भी हम समझते हैं कि जब यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है, जब यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया है तो यहाँ पे जो पास में जो स्किन है, ये जो पास की जो स्किन है, तो यहाँ पे इन्फेक्शन फैलता फैलता क्या हो जाएगा, इस स्किन के अंदर भी इन्फेक्शन हो जाएगा, अंदर की साइड में भी इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। जब अंदर की साइड में स्किन में इन्फेक्शन हो जाएगा तो यहाँ पे घाव भी बन जाते हैं। जब घाव बन जाते हैं तो क्या होता है, ऐसे हम बोलते हैं स्कार टिश्यू बनने लगते हैं, यहाँ पे और टिश्यूज बनने लगेंगे जो कि इस स्किन को यहाँ पे चिपकाने का काम करेंगे, ठीक है। जब ये इस तरीके से चिपक जाएगी तो ये रिट्रैक्शन पीछे की तरफ बैकवर्ड, हम बोल सकते हैं कि हम इनको खींच नहीं सकते, पुल नहीं कर सकते, पीछे की तरफ ये खींच नहीं सकती है, जिसकी जिस प्रॉब्लम को हम क्या नाम देते हैं, फाइमोसिस, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम भी इसकी वजह से हो सकती है। देखिए दोनों ही एक दूसरे से हो सकती है। अगर किसी को फाइमोसिस है कि स्किन पीछे नहीं जा रही है, अगर उसके बारे में पूरी तरीके से जानना है तो वीडियो देख लीजिए। अगर वो प्रॉब्लम है तो भी मेनिनजाइटिस हो सकता है, अगर मेनिनजाइटिस है तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं उपचार की या फिर ट्रीटमेंट की, जो कि क्या है। तो देखिए इसमें समझने वाली बात यह है कि अगर फंगस का इन्फेक्शन हुआ है तो ये डॉक्टर ही चेक करके बता सकते हैं कि फंगल इन्फेक्शन है या फिर किस तरीके का इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है या फिर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, ठीक है। तो अगर एंटी फंगल ड्रग्स दी जाती हैं या फिर हम बोल सकते हैं एंटी फंगल क्रीम्स दी जाती हैं, जो कि उस हिस्से पे लगानी होती हैं, डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब होनी चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, क्लोट्रिमाजोल जो कि क्रीम होती है इस हिस्से पे लगाने के लिए, जिससे कि इसको खत्म किया जा सकता है अगर फंगल इन्फेक्शन है तो, ठीक है, एंड प्रॉपर तरीके से हाइजीन का भी साथ में ख्याल रखा जाएगा। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक्स कब दी जाती हैं, या तो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है या फिर वायरस का इन्फेक्शन हुआ है, तो मोस्टली ये किसकी वजह से होते हैं, एसटीडीज। देखिए एसटीडीज में मतलब जो पार्टनर के थ्रू जो रोग हमें भी मिल सकता है उसको हम बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो इसकी वजह से मतलब अगर किसी फीमेल को है तो अगर उसको उसकी वजह से उस मेल में ये प्रॉब्लम आ गई है, मतलब उस पुरुष में ये प्रॉब्लम आ गई है, तो उसको क्या दी जाती है, एंटीबायोटिक्स दी जाती है, जिसकी वजह से ये ठीक किया जा सकता है।
नेक्स्ट है डायबिटीज मैनेजमेंट. जिसको डायबिटीज है तो पहले डॉक्टर के पास उनका थोड़ा सा डायबिटीज को थोड़ा मेंटेन करना पड़ेगा कि उसका लेवल कम हो, ज्यादा ना हो, ठीक है. एंड उसके बाद डॉक्टर उनको प्रिस्क्राइब करते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन. नेक्स्ट है सर्कमसीजन. अगर किसी को बेलेनाइटिस हुआ है फाइमोसिस की वजह से, देखिए फाइमोसिस मैंने अभी बताया है, अगर जो टाइट स्किन है किसी की उसकी वजह से ये इन्फेक्शन हो गया है तो क्या होगा, उनका सर्कमसीजन करना पड़ता है. ये एक क्या होता है, सर्जिकल प्रोसेस होता है. इसमें क्या करते हैं कि जो स्किन होती है हेड के ऊपर जो स्किन होती है तो इसको पूरा यहाँ से कट कर दिया जाता है, ठीक है. इस स्किन को हटा दिया जाता है सर्कमसीजन, ओके. जिसकी वजह से क्या होगा कि बार बार जो इन्फेक्शन है वो नहीं होंगे, कि बार बार लोड के जो इन्फेक्शन आ रहे हैं, बार बार बेलेनाइटिस हो रहा है, कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है तो वो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से अच्छे से फिर क्लीन किया जा सकता है एंड हाइजीन का भी प्रॉपर तरीके से ध्यान रखा जा सकता है, ओके. तो ये कुछ इसके ट्रीटमेंट है, लेकिन जो डॉक्टर है वो ही देख के बताएंगे कि आपको कौन सा इन्फेक्शन हुआ है. सो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था. आई होप मैं आपकी हेल्प कर पाई हूँ. अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड स्टडी विद मी चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको इसी तरीके का और कंटेंट चाहिए. वैसे भी संडे को अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियो आता है और जो बाकी दिन है उनमें फिलहाल कोई वीडियोज़ नहीं आ रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में हम नीट से रिलेटेड बायोलॉजी के या फिर केमिस्ट्री के वीडियोज़ भी लेके आएंगे. तो अगर आपको चाहिए, कितने स्टूडेंट हैं, मुझे थोड़ा सा फीडबैक चाहिए, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कि बायोलॉजी को शुरू करना है या फिर केमिस्ट्री को शुरू करना है. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.